हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी डिजिटल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फिल्मोरा 9 के बारे में। फिल्मोरा 9 को यूज करके आप कैसे एक प्रोफेशनल और गुड लुकिंग वीडियो बना सकते हैं। एक यूट्यूबर जब यूट्यूब का करियर शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वो अपना वीडियो कैसे एडिट करे। वीडियो शूट कर लेता है लेकिन वो वीडियो कैसे एडिट करे इसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होता है और कुछ भी बनाने लगता है। तो यदि आप एक यूट्यूबर हैं और एक प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को फिल्मोरा 9 से जुड़ी हर एक चीज़ सिखाऊंगा। जैसे वीडियो का बैकग्राउंड कैसे बदलना है, वीडियो में ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करना है, वीडियो के अंदर टाइटल कैसे डालना है, वीडियो के अंदर इंट्रो कैसे लगाना है, वीडियो के अंदर अलग अलग इफेक्ट कैसे अप्लाई करने हैं, वीडियो के अंदर अलग अलग एलिमेंट कैसे अप्लाई करने हैं, ये सब कुछ हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपने सारे सवाल मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल के जवाब बिल्कुल कुछ ही समय बाद मैं यहाँ से दे दूंगा। फिल्मोरा 9 एक पेड सॉफ्टवेयर है। यदि आप गूगल पर टाइप करेंगे फिल्मोरा और वहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और यूज भी कर सकते हैं आप। लेकिन जब वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपके वीडियो में फिल्मोरा का वाटर मार्क शो करेगा। यदि आप फिल्मोरा को बिल्कुल फ्री में यूज करना चाहते हैं जिससे भी आपको कोई वाटर मार्क ना है, इसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है एस आई वांट और वीडियो पे कम से कम 500 लाइक पहुंचाने हैं। जिस दिन इस वीडियो पे 500 लाइक पहुंच जाएंगे उस दिन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप फिल्मोरा को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप कितना ही वीडियो बनाइए कभी कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पर हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज प्रैक्टिकली सीखेंगे। फिल्मोरा को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करिए फिल्मोरा। जैसे आप टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये लिंक दिखाई देगा, सेकंड वाला लिंक, ये वाला। आप चाहे इस पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ सेकंड लिंक है आपका, इस पर क्लिक करिए। अब आपके सामने फिल्मोरा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फिल्मोरा 9 और वीडियो एडिटर फॉर ऑल क्रिएटर्स। यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ ये लिखा है डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद ये दिखाई देगा आपको फिल्मोरा 9 फॉर विंडोज, ये दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके यूज करेंगे तो आपके वीडियो में फिल्मोरा का वाटर मार्क आएगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए एस आई वांट और 500 लाइक पहुंचा दीजिए। तो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप फिल्मोरा को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं और बिना किसी वाटर मार्क का। तो ऑलरेडी फिल्मोरा का मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा हुआ है, उसको ओपन करेंगे। ये हमारा फिल्मोरा, इसको ओपन करते हैं। जब आप पहली बार फिल्मोरा को ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके से शो करेगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है। हम चाहें यहाँ से जिस भी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी मैं प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इसको नई शुरुआत करेंगे तो आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ क्लियर कर दूं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये देखिए, सबसे पहला है 16 और 9 का जो रेशियो होता है वो वाइड स्क्रीन के लिए। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो पूरा फुल स्क्रीन में वीडियो आएगा। और ये नीचे लिखा हुआ आपको 1:1 का, ये देखिए 1:1 का रेशियो। ये होता है बेसिकली इंस्टाग्राम के लिए। यदि आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं या फेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं तो। तीसरा है आपका 9:16 का रेशियो, ये होता है पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा, जैसे टिकटॉक का वीडियो होता है या कोई भी वीडियो जो खड़ा देखते हैं, जैसे इस तरीके से वीडियो होता है खड़ा में, वो होता है 9:16 का। और चौथा को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो लिखा है 4:3, ये होता है स्टैंडर्ड साइज। और लास्ट आपका 21:9, ये सिनेमेटिक के लिए है। यदि आप YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपका स्क्रीन रहेगा 16:9, ये वाइड स्क्रीन। सिंपली आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये है पूरा फिल्मोरा का इंटरफेस। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रह जाए कि किसका क्या काम होता है। जब हम वीडियो एडिट करेंगे तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे प्रैक्टिकली बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको इसके हर एक फंक्शन के बारे में पता चल सके कि इस फंक्शन का क्या काम है। हो सकता है कि हमारा यह वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो देखने के बाद मैं दावा करता हूं आपसे कि इस फिल्मोरा से जुड़ी आपके मन में कभी कोई सवाल नहीं आएगा। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एरिया। हम जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस प्रोजेक्ट में हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सारा चीज़ें यहाँ पर होता है।
जैसे वीडियो चाहिए, इमेज चाहिए, म्यूजिक चाहिए, मतलब हर एक चीज जो हमें वीडियो में चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे शो करता है। और ये होता है आपका प्रीव्यू एरिया, जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं उस प्रोजेक्ट का सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करता है। और इसे बोलते हैं टाइमलाइन। ये हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है टाइमलाइन। यदि आपको किसी एक वीडियो के सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग करना आ गया तो आपके लिए हर सॉफ्टवेयर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये होता है आपका टाइमलाइन का ऑडियो ट्रैक, और ये होता है आपका वीडियो ट्रैक या इमेज ट्रैक। इसके अंदर आप अनलिमिटेड ट्रैक यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मीडिया, इसके बारे में समझते हैं कि इसका क्या क्या है। मीडिया ये होता है प्रोजेक्ट मीडिया, आप जो भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट किए रहेंगे यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ शो करेगा। ये होता है फोल्डर, आप यहाँ से कोई फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये होता है शेयर्ड मीडिया, शेयर्ड मीडिया के अंदर आप वो फाइल रखते हैं जिस फाइल का आपका बार बार यूज करना होता है वीडियो में, जैसे इंट्रो हो गया, आउट्रो हो गया, लोगो हो गया, और आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हो गया। ये सारा चीज ऐसा होता है जो जिसका यूज आप बार बार करना होता है, तो ये चीज आप शेयर मीडिया में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फोल्डर, फोल्डर इंपोर्ट करते हैं वो शो करता है यहाँ पर। ये होता है सैंपल कलर, जिसे आप बैकग्राउंड में यूज करते हैं। ये सारे सैंपल कलर हैं, सॉलिड कलर, जिसे आप बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और ये होता है सैंपल वीडियो, इन वीडियो को आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं सैंपल वीडियो के तौर पे। नेक्स्ट है ऑडियो, ऑडियो के अंदर आपको बहुत सारे ऑडियो मिलते हैं जिसके आप बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे साउंड इफेक्ट मिलते हैं जिसे किसी प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बीप यूज करना है यूज कर सकते हैं, क्लेरी ब्रेक यूज कर सकते हैं, चिकन की आवाज यूज कर सकते हैं, सिनेमेटिक हॉर्न, कुकू क्लॉक, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे आपको जो यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे आप सब देखते हैं बहुत सारे वीडियो बनते हैं उस पर आपको बीप लगाना है तो बीप लगा सकते हैं, कोई भी इफेक्ट डालना डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस ऑडियो में अपना भी म्यूजिक डाल सकते हैं यहाँ से, या फिर फिल्मोरा का अपना एक लाइब्रेरी है, ऑडियो इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल, टाइटल का यूज बेसिकली हम इंट्रो में, आउट्रो में, या फिर कोई चीज जब बताते हैं उस वहाँ पे यूज करते हैं। ये आपका ओपनर टाइटल है, जैसे कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है तो वो लिखता है, देखिए शुरू शुरू में, ये बिल्कुल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। देखिए ये ओपनर टाइटल है, इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लोअर थर्ड, जैसे आप देखते हैं वीडियो के नीचे जब हम बताते हैं तो उसके नीचे कुछ लिखना होता है, कोई ऐसा हेडिंग हो गया, कोई ऐसा पॉइंट हो गया जो वीडियो नीचे लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है लोअर थर्ड, देखिए ऐसा यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलता है टाइटल्स के अंदर, ये देखिए टाइटल के अंदर है, आपको सब कुछ यहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप फ्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में सिर्फ इसलिए यूज होता है जब हम दो इमेज या दो वीडियो को एक साथ जोड़ते हैं तो उस समय ट्रांजेक्शन का यूज करना होता है। जैसे देखिए जब दो इमेज जुड़ेगा तो बीच में ट्रांजेक्शन ऐसा अप्लाई होगा, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे इसमें सैकड़ों ट्रांजेक्शन है, इसका यूज आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। और भी आप एक एक करके ट्राई करिए और यूज करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके वीडियो के हिसाब से, आपके इमेज के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से अच्छा लगता है आप उसका यूज करिए। आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट, इफेक्ट के अंदर आप बहुत सारे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वीडियो के अंदर। जैसे मान लीजिए वीडियो है और वीडियो में एक कलर ग्रेडियंट होता है, इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा, इस तरीके चाहिए इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। ये जो कि सैंपल वीडियो है, ये इफेक्ट जिस कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसी कलर में आपके वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये इफेक्ट हो गया आपका, ये इफेक्ट हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट, जब हम कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं वीडियो और उसमें चाहते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे एरो का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ लगा सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट, स्प्लिट इसलिए यूज किया जाता है जब हमको एक ही डिस्प्ले में दो तीन वीडियो प्ले करना है, जैसे एक वीडियो यहाँ पे प्ले करना है और दूसरा वीडियो यहाँ पे प्ले करना है, या फिर तीन वीडियो प्ले करना है, मान लीजिए इस तरीके से एक वीडियो यहाँ पर, एक वीडियो यहाँ पर, एक वीडियो यहाँ पर, इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। इसका यूज करके आप एक वीडियो यहाँ पर डाल सकते हैं, एक वीडियो यहाँ पर, एक वीडियो यहाँ पर, मतलब कि आपके एक ही प्रोजेक्ट में जो है तीन वीडियो ओपन होंगे, और यहाँ से अपने फाइल को, जो भी फाइल आपने बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैक के बारे में। ये आपको यहाँ पर प्लस का आइकन शो कर रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो ट्रैक ऐड करना है, यहाँ क्लिक ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक ऐड करना है, ऑडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं, किसी को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। ये इसका टाइमलाइन है,
टाइमलाइन पे आप आराम से यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे करके जूम इन कर सकते हैं और दबा के ऐसे करेंगे जूम आउट कर सकते हैं। ये जूम इन और जूम आउट इसलिए किया जाता है ताकि आपको वीडियो में कहाँ स्प्लिट करना है, किस तरीके से स्प्लिट करना है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, हाईलाइट नहीं है यहाँ पे, कुछ हाईलाइट नहीं है, कुछ यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे इसके अंदर तो हम बताएंगे इसके बारे में कि इसका क्या काम होता है। अब हम फटाफट प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं इसके अंदर। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे प्रोजेक्ट ओपन कर लिए हैं। अब इन प्रोजेक्ट को यूज़ करके हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जो हमारा मेन वीडियो होता है। अब हम उसको लाते हैं टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे लाने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं प्लस आइकन पे, या फिर सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ये देखिए आ गया। अब यहाँ लिखा मैच और डोंट मैच, मैच कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो वीडियो का ओरिजिनल साइज है उसी के रिगार्डिंग ही काम करेगा। आप यहाँ कर देंगे डोंट चेंज, तो आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम करते हैं डोंट चेंज। आप देखिए ये फाइल अच्छे तरीके से हमारे टाइम लाइन में आ चुका है। एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, वीडियो को एडिट करने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर दें। अब यहाँ देखिए ये कुछ अनवांटेड पार्ट है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जिसे हमें हटानी है। तो हटाने के लिए इसको हम जहाँ तक हमें हटाना है यहाँ तक लाएंगे और यहाँ देखा स्प्लिट, इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। देखिए कट गया। अब कट गया तो इसको आराम से हम डिलीट कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ पे लेके आइए और यहाँ दिखाई दे रहा स्प्लिट, ये आइए स्प्लिट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ शॉर्टकट शो करेगा कंट्रोल बी, इस पर क्लिक करिए और देखिए कट गया। क्योंकि जब इसको कट जाएगा तो आराम से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिनल पार्ट जिसको हमको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले इस फाइल का हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा ग्रीन स्क्रीन, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने इस वीडियो का प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। या फिर सिंपली आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन आपके सामने शो करने लगेगा। यहाँ लिखा है क्रोमा की, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक कर दिया, ट्रिक लग गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो बैकग्राउंड है प्रॉपरली हटा नहीं है, तो प्रॉपरली हटाने के लिए इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अपने वीडियो के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। अब चूंकि जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है ये लगभग मैं 10 करता हूँ तो जाकर के परफेक्टली हट जाता है। देखिए मैंने 10 किया और ये परफेक्टली मेरा बैकग्राउंड पूरी तरीके से हट गया है। ये दिखा रहा है एज थिकनेस और एज फेदर, इसको हम कर देते हैं 0। अब चूंकि मैं 0 कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पे 0 करने बस अच्छा आ रहा है। आपके वीडियो में हो सकता है 1.2 पॉइंट बढ़ाएंगे ऐसे करके, कम बेसी करेंगे तो आपके सामने हो सकता है अच्छा शो करे, ठीक है। तो आप अपने वीडियो के हिसाब से आप क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। यदि कहीं गलती हो जाए तो आप रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके आप वीडियो में फेदर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। या कहीं गलती हो जाए तो यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। अब चूंकि मेरा वीडियो परफेक्ट हो गया है तो हम इसको ओके कर देंगे। अब हम इस वीडियो के नीचे लगाएंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए हमें इस वीडियो को ऊपर करना पड़ेगा। तो बोले उसको क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दें, ऊपर कर देंगे। अब हमको जैसा बैकग्राउंड यूज करना है वैसा इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने बैकग्राउंड के लिए ये इमेज लोड किया हुआ है, आप चाहें तो बैकग्राउंड के लिए एक अलग से वीडियो भी लोड कर सकते हैं। अब चूंकि मैं यहाँ पर इमेज यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो यूज कीजिए या फिर इमेज यूज कीजिए, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा क्लिक, हम इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे, क्योंकि ये हल्का छोटा था, बढ़ा दिया हमने और ये हल्का से इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेज मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में परफेक्टली सेट हो चुका है। हम सिंपली इसको क्लिक करके आपको जितने समय तक चाहिए उतना यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे ये पूरा फुल वीडियो में चाहिए तो हम इसको पूरा फुल ड्रैग कर देंगे। देखिए हम ड्रैग कर दिया। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पूरे वीडियो में ये सारा चीज आया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम ये देखते हैं इसके अंदर ये जो हमारा वीडियो है, जो हमारा मेन वीडियो का पार्ट है, ये इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसको हम एक अट्रैक्टिव कलर देंगे। तो हम करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन करने के लिए सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है कलर, इस पर हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यदि आपको कोई हल्का फुल्का कलर करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप आएंगे एडवांस पे। अब देखिए ये हमारा वीडियो है। अब हम वीडियो को एक अच्छा लुक देंगे। तो अच्छा लुक देने के लिए आप यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ पहले से प्रीसेट दिया हुआ है, आप चाहते हैं ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा आपको यूज करने के लिए, क्योंकि ये अलग अलग वीडियो को अलग अलग चीजें यूज की जाती है। सिंपली हम आएंगे कलर पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे कलर पे। कलर पे क्लिक करने के बाद हम इसका थोड़ा सा एक्सपोजर जो है थोड़ा सा देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे 2 पॉइंट तक, ठीक है। यह कर देते हैं हम 3 पॉइंट, ठीक है।
अभी नेक्स्ट है ब्राइटनेस भी हम दो तीन पॉइंट बढ़ा देंगे अपने हिसाब से कि आपके वीडियो में कितना मैच कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ाएंगे ब्राइटनेस। ये कंट्रास्ट देख लेंगे आप कि कहाँ पे आपका कंट्रास्ट जो है सेट कर जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रास्ट हमने वीडियो में बढ़ा दिया, आप ये देख सकते हैं कि वीडियो में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल वीडियो है और ये वीडियो में चेंजेस हो रहे हैं, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए हमारे वीडियो कहाँ तक परफेक्ट आ रहा है, तो उसके एक दो पॉइंट बढ़ाएंगे तो आपके वीडियो में हल्का सा कलर करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइट, लाइट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा हाईलाइट, इस पर क्लिक कर आप देखिए कि आपका वीडियो सबसे अच्छा किस पे दिख रहा है, ठीक है। चूंकि मैं हल्का हल्का बढ़ा रहा हूँ तो आप देख लेंगे अपने वीडियो के हिसाब से कि आपके वीडियो में किस पे परफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है शैडो, अगर शैडो को हम बढ़ाएंगे तो ये देखिए कितना भद्दा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा घटा देते हैं, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे घटाया, देखिए कितना अच्छा लुक आने लगा हल्का सा। नेक्स्ट है व्हाइट, व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि वीडियो और सुंदर दिख सके। ये देखिए हमने व्हाइट बढ़ा दिया हल्का सा। और ये है ब्लैक, ब्लैक इधर करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लाइट दिखने लगेगा, इसलिए ब्लैक को थोड़ा सा माइनस कर दिया यहाँ पे, देखिए हमने थोड़ा सा माइनस कर दिया, अभी वीडियो परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका HSL, इसका यूज करके बेसिकली हम कोई कलर चेंज करते हैं। ये एक थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है जिससे आप अपने कपड़े के कलर बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट कलर करेक्शन हो चुका है। यदि आपको लगता है कुछ और करना है तो आप यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस सेटिंग को सेव कर रख लूँ तो लिखा है यहाँ पे सेव एज प्रीसेट, इस पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसको किसी और वीडियो में बिल्कुल सिंगल क्लिक में यूज कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा आपको यह है प्रीसेट, प्रीसेट जब आएंगे कस्टम प्रीसेट, ये लिखा है कस्टम प्रीसेट, आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप इसका यूज करके सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी सेटिंग आपको एक बार अप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरा वीडियो जो कलर है बिल्कुल परफेक्टली चेंज हो चुका है, देखिए अब मेरा वीडियो थोड़ा सुंदर दिख रहा है पहले से। अब इसमें एक और चीज कमी हमको दिख रही है, वो है इसकी आवाज़, ये जो आवाज़ है ये थोड़ा सा लो है, ठीक है। तो आवाज़ को बढ़ाने के लिए सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये लिखा ऑडियो, ऑडियो को सिंपली यहाँ से हम पूरा फुल कर देंगे, देखिए मैंने पूरा फुल कर दिया। और ये देखिए हल्का सा बढ़ा, देखिए कम करेंगे घटेगा, ऐसे फुल कर देंगे तो पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आवाज़ में कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डाला तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, देखिए अलग अलग सेटिंग करेंगे यहाँ पे तो आपके वॉइस में अलग अलग परिवर्तन आएगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है उस पर क्लिक करके छोड़ दीजिए, मैं प्रेफर करूंगा आप इसको डिफॉल्ट ही रखिए, लेकिन वैल्यू हमेशा फुल कर दीजिए, करें ओके कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं हमारा वीडियो परफेक्टली ओके हो चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने जो है बहुत सारी गलतियां की है, कई जगह जो है दो बार तीन बार बोला है कीवर्ड को, कई बार ऐसा होता है कि मुंह में पसीना आ जाता है तो उसको पोंछना पड़ता है, तो ये सारी चीज जो है काट करके हटानी होती है, ठीक है। तो उसको कैसे हटाएंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं ये मेरा अनवांटेड पार्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद और कीबोर्ड पर दबाएंगे कंट्रोल बी या फिर यहाँ दिखा है स्प्लिट, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसको फिर इधर लाएंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल बी दबा देंगे तो ये आराम से कट जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे डिलीट या फिर यहाँ लिखा डिलीट, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही सारे अनवांटेड पार्ट हम यहाँ से हटा सकते हैं, देखिए सारे अनवांटेड पार्ट हटा दिया यहाँ से। आपको जहाँ भी लगता है कि अनवांटेड पार्ट है इसको काट घटाना है तो यहाँ से हटा सकते, हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ से हटा देंगे। तो आपको ये समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ के बारे में, यहाँ देखिए ये क्रॉप टूल के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली इसलिए है यदि हमको वीडियो क्रॉप करना है, जैसे हमको इतना पोर्शन चाहिए वीडियो का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट मेरा है ये वाला, अब देखेंगे यहाँ पे इतना पार्ट कट के आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमें क्रॉप नहीं करना है तो हम इसको कंट्रोल जेड कर देंगे। कभी भी काम करते समय कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ लिखा है अंडू, इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर से ऑफिस करने के लिए कंट्रोल वाई दबा सकते हैं या फिर यहाँ लिखा है रेडो, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, ये है स्पीड का। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं या फिर कहीं जाते हैं ब्लॉगिंग करते हैं तो हमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको फास्ट करना होता है, बहुत फास्ट भगाना होता है, ठीक है। तो उसको क्या करने के लिए सबसे पहले जितने पार्ट को हमें फास्ट करना है उतने पार्ट को हम ऐसे कट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से लेकर के इस पार्ट से लेकर के और इस पार्ट तक जो है हमको भगाना है, बहुत फास्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करके इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करने के बाद सिंपल उसको सेलेक्ट करेंगे इस वाले पोर्शन को जिसको हमें फास्ट करना है उस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा स्पीड, इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम स्पीड स्लो फास्ट नॉर्मल फ्रीज फ्रेम रिवर्स, हमको करना है कस्टम स्पीड। तो आप यहाँ देखिए एक पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल और एक से अधिक करेंगे
तो दो गुना चलेगा, जैसे आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं दो तो दो गुना फास्ट चलेगा, तीन करेंगे तो वीडियो तीन गुना फास्ट में चलेगा, चार कर देंगे तो वीडियो चार गुना फास्ट चलेगा, पांच कर देंगे तो वीडियो चार गुना फास्ट में चलेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, पांच पे कर दिया मैंने, अब ये देखिए अब वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। देखिए हमें क्लिक करेंगे और प्ले करते हैं, देखिए कितना फास्ट बताया गया। ठीक, तो ये होता है स्पीड। हम सिंपली कंपनसेट कर देते हैं यहाँ पे, आपको कोई स्पीड बढ़ाना है तो आप इस तरीके से यूजर से स्पीड बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है स्पीड एंड ड्यूरेशन, इस पर क्लिक कर देंगे और आप अपने हिसाब से आपको कितना फास्ट करना है उस पर्टिकुलर क्लिप को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, दो तीन चार पाँच जितना करना उतना करेंगे, लेकिन जितना संख्या बढ़ाएंगे ये उतना दोगुना होता जाएगा, दो मतलब दो गुना, तीन मतलब तीन गुना, 10 मतलब 10 गुना स्पीड। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। हमने कलर कर्सर देख लिया था, नेक्स्ट है आपका ग्रीन स्क्रीन, हमने भी देख लिया है, नेक्स्ट है आपका एडिट, हमने भी देख लिया है। अब हमें मान लीजिए कि वीडियो के अंदर हमें एक्स्ट्रा म्यूजिक यूज करना है या फिर अलग वॉइस यूज करना है, उसके लिए अपने म्यूजिक को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे जिस म्यूजिक हमें डालना है, और सिंपली इसको ड्रैग करके इसमें छोड़ देंगे, म्यूजिक वाला सेक्शन में छोड़ देंगे। देखिए ये आ गया म्यूजिक वाला सेक्शन, ये म्यूजिक का टाइम लाइन है। आपको किसी वीडियो के अंदर म्यूजिक यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर अलग वॉइस यूज करना है वीडियो का तो भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूजिक बिल्कुल हल्का हल्का बजे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इसका जो आवाज है इसको हम डाउन कर देंगे। देखिए डाउन कर देंगे, जितना हम डाउन करेंगे ये उतना ही कम होता जाएगा। मतलब क्या, इससे क्या होगा कि आपके वीडियो के अंदर जो है आपका वीडियो चलेगा और वीडियो के अंदर आपका हल्का हल्का म्यूजिक सुनाई देगा। जैसे आप मेरे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, देखिए हल्का हल्का म्यूजिक सुनाई देगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद। यदि आप ये चाहते हैं कि इस म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पार्ट ही यूज करना है तो आप सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहां तक आपको चाहिए आप क्लिक करके कंट्रोल बी कर देंगे, कंट्रोल बी करने के बाद इस पार्ट को डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर ये मान लीजिए आपको यहाँ तक चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल बी दबा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब ये वाला म्यूजिक हमको मिल गया। अब इस म्यूजिक को हम जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको फिर से इसको बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ दिखाई देता है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पर लिखता रहता है। ठीक है, तो वो कैसे डालते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टाइटल्स में, और टाइटल्स में जाने के बाद आपको सिंपली जो आपको पसंद आता है यहाँ पर आप उसमें से ड्रैग कर सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पसंद आता है आप उसको यूज कर सकते हैं। ये लोअर थर्ड है जिसे वीडियो के नीचे यूज करते हैं इस तरीके से, देखिए ये आएगा नीचे आपके, आप चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे ये अच्छा लगता है मैं इसको यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर लाएंगे, अभी आ गया। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए सिंपली इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस पे आएंगे, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, हल्का नीचे करेंगे इसको ऐसे हल्का, अगर इसको बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, घटाना है तो घटा भी सकते हैं, और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए मेरा नाम है अंगेश, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अंगेश कुमार गौड़, आप यहाँ पर अपना नाम यूज कर सकते हैं। देखिए अभी वीडियो प्ले होगा, ठीक, कितने अच्छे तरीके से आएगा। वेलकम टू, अब ये चाहते हैं आप कि मेरा टेक्स्ट एक अलग तरीके से आए तो फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपका एनिमेशन, आपको यहाँ से जो एनिमेशन अच्छा लगता है टेक्स्ट के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमको ये अच्छा लगता है टाइप राइटिंग वाला आराम से लिखता हुआ आएगा, देखिए अगर आपको ये अच्छा लगता है आप ये यूज कर सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें से आप वो चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ज्यादा कुछ देखकर कंफ्यूज ना हो, ये बिल्कुल सिंपल और सरल है, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, बिल्कुल आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा लोअर थर्ड, यहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे इसके अंदर मिल जाएंगे आपको लोअर थर्ड, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें लोअर थर्ड होंगे जो डाउनलोड नहीं होंगे, जैसे यहाँ देखिए लिखा है डाउनलोड का सिंबल यहाँ पर दिया है तो ये डाउनलोड नहीं है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके नेट कनेक्ट होना चाहिए ना, अगर आप ये चाहते हैं मुझे ये यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस पर लाएंगे सिंपली यूज कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ और लिख देंगे और इस पर क्लिक करके यहाँ कुछ और लिख देंगे। ठीक है, और वैसे ही इस पर आप ट्रांजिशन इफेक्ट लोड कर सकते हैं, अगर आपको इस पर टाइमिंग बढ़ाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जितना देर तक आपको चाहिए ये उतने देर तक आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए हमने इस पर 10 सेकंड कर दिया है, ठीक है, आप ये देखिए 10 सेकंड कर दिया और ये 10 सेकंड तक रहेगा, और गुड लकी प्ले करेंगे तो 10 सेकंड तक ऐसे ही रहेगा। ठीक, आप ये देख सकते हैं ये 10 सेकंड तक हमारे वीडियो में ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट है लोअर थर्ड की,
सबटाइटल के, ओपनर के, आप एक एक ट्राई करते रहिए, यूज करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में ऊपर लोगो कैसे लगाते हैं, या फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कैसे लगाते हैं, बेल आइकन वाला कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ हम बात कर लेते हैं। सिंपली इस पर आगे मीडिया पर क्लिक करेंगे और ये मेरा सारा प्रोजेक्ट जो मैंने इम्पोर्ट किया था आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमको लगाना है सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। अभी चूंकि ग्रीन स्क्रीन है, हमने इसको यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है। अगर यदि आपको इस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अब सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ वीडियो पे आएंगे और इसे हम ग्रीन स्क्रीन सबसे पहले हटाएंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे 5 पॉइंट, ठीक है। अब चूंकि ये जो 5 पॉइंट है बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है, देखिए हमने 5 पॉइंट किया यहाँ पे, अभी देखिए आ गया, वीडियो शूट कर लेता है। अब ये क्या है कि बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको हम छोटा कर देंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे अपने हिसाब से। देखिए हम छोटा कर दिया, आपको और छोटा करना और छोटा कर सकते हैं। आपको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं बीच में लगाता हूँ तो हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब ये प्ले होगा जब तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, देखिए वीडियो शूट कर लेता है, लेकिन वो वीडियो कैसे एडिट करें। हम ये चीज तब लगाया जाता है जब हम बोलते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसे आप बोलेंगे ठीक उसी पॉइंट पे इसको लगाना होता है, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल मैच कर जाए। देखिए हम बोलेंगे प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लेकिन वो वीडियो कैसे, ये परफेक्ट हो गया। अब हम लगाते हैं इस पे लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, ये भी एक ग्रीन स्क्रीन है और इसको भी हमने यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है। आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब सिंपली इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इसका बैकग्राउंड हटा देंगे, क्रोमा की करें क्लिक कर देंगे, हट गया, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं हटा, ठीक है, तो इस पे हम 10 कर देंगे, ठीक है। देखिए 10 करते हैं तो बिल्कुल अच्छा तरीके से आ जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर कि आपके वीडियो में कौन सा बैकग्राउंड यूज हुआ है। मेरा बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा लाइट है, इसलिए मुझे 10 करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ओके कर देंगे। अभी देखिए अच्छे तरीके से आएगा। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है इसे क्लिक करके आप जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा उतना छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इस वीडियो में मैप्स है। देखिए अब यहाँ पे आएगा सब्सक्राइब, तो आपने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर लोगो कैसे यूज करते हैं। जैसे देखा होगा आपने बहुत सारे वीडियो में कि इस वाले पोर्शन में जो है यहाँ पे लोग लोगो यूज करते हैं, तो उसको कैसे यूज करते हैं। हमने जो है अपना कुछ लोगो यहाँ पर इम्पोर्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब हम सिंपली इस लोगो को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे इम्पोर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। हम जैसे जैसे फाइल इंपोर्ट यहाँ पे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टाइमलाइन बढ़ता जाएगा। देखिए पहले एक टाइमलाइन था, हमने डाला, दूसरा हो गया, एक और डाला, तीसरा हो गया, एक और डाला, चौथा हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करके यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमारा वीडियो है, मतलब हमको जहाँ तक चाहिए ये पार्ट वहाँ तक इसको हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। जैसे मेरा वीडियो यहाँ तक है तो हम यहाँ तक क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो ये बहुत बड़ा शो कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, देखिए सेलेक्ट हो गया, और इसको थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, और ऊपर लाने के बाद ये जो कॉर्नर है इससे प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। देखिए मैंने छोटा कर दिया, अब ये देखिए आ चुका है। अगर इसके अंदर हमें कोई इफेक्ट अप्लाई करना है कि किस तरीके से है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए मोशन मोशन में आइए, आपको जो भी इफेक्ट चाहिए देखिए इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, मतलब किस तरीके से आप चाहते हैं कि ये आए उस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मोशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप ये देख सकते हैं, तो इस पर बेसिकली हम कोई एनिमेशन यूज नहीं कर रहे हैं, लो एनिमेशन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखे होंगे कि हम दो यूज करते हैं यहाँ पर लोग, एक और यूज करते हैं वेबसाइट का, तो इस पर यहाँ क्लिक कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए हमने ड्रैग कर दिया यहाँ से यहाँ तक, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे लाने के बाद यहाँ प्रेस करके इसको छोटा कर देंगे। देखिए ये छोटा हो गया, एडजस्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखिए परफेक्ट तरीके से आ गया। सेम ऐसे ही यदि आप कोई इमेज का स्लाइड शो बनाना चाहता है तो आप इसी तरीके का यूज करके आप किसी भी इमेज का स्लाइड शो बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट के बारे में। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं। अब इसमें कोई सा इफेक्ट आपको वीडियो के अंदर यूज करना है, जैसे मान लीजिए ये एक इफेक्ट है और हमको इस वीडियो में यूज करना है, सिंपली से क्लिक करेंगे और क्लिक करके प्रेस करेंगे, प्रेस की करते हुए यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर दिया, और हमको ये इफेक्ट जो है थोड़े दूर चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है, या फिर वीडियो किसी अलग पार्ट में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, या फिर यहाँ पे चाहिए, या फिर शुरू में चाहिए, मतलब जिस भी पोर्शन में चाहिए आप इसको वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यदि आपको पूरे वीडियो में इफेक्ट चाहिए तो आप पूरे वीडियो में सेलेक्ट कर देंगे, तो देखिए पूरा वीडियो ऐसे इसी कलर में शो करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर पार्ट में आए
तो आप वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ बिल्कुल शुरू में ही आए, देखिए तो मैंने शुरू में कर दिया तो ये इफेक्ट शुरू में आएगा, जब जहाँ तक ये है वहीं तक ये इफेक्ट आएगा, देख सकते हैं उसके बाद हट जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जो आप अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। मैंने बताया आपको शुरू में कि एक ही स्क्रीन पे आप तीन चार वीडियो प्ले कर सकते हैं सेम टाइम में। जैसे मान लीजिए कि ये वाला स्क्रीन है मुझे बहुत पसंद है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक देखिए ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर ड्रैग कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे टाइमलाइन में आ गया। अगर देखिए इसको जो है हमको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं, हमको मान लीजिए यहाँ तक चाहिए हमने यहाँ तक यूज कर लिया। अब एक ही स्क्रीन के अंदर आपके तीन वीडियो शो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक वीडियो यहाँ पे शो करना चाहता हूँ तो सिंपली ड्रैग कर देंगे, एक वीडियो मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ तो हम यहाँ ड्रैग कर देंगे, एक वीडियो यहाँ पे शो करना चाहता हूँ इस पर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीन तरह के वीडियो ड्रैग कर सकते हैं। अब देखेंगे कि तीन वीडियो सेम टाइम पे चलेंगे, देखिए देखिए तीन वीडियो सेम टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन बाकी रह गए हैं, यहाँ पे बता दूँ आप सभी से, ये लिखा है यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो का साइज चेंज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो जो बताया था शुरू में आपको वो चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप कोई स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जैसे वीडियो है आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर फोटो खींचना, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका फोटो क्लिक हो जाएगा, देखिए ये फोटो क्लिक हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर क्लिक हो गया, आ गया यहाँ देखिए फोटो, और ये वॉल्यूम के लिए है और ये फुल स्क्रीन। जब आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो कई बार आपको देखना होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड में आप देख सकते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब सारी चीज़ें लगभग लगभग खत्म हो चुकी हैं। एक चीज़ जो मैं आपको लास्ट बता दूँ बहुत अच्छा चीज़ है, ये यहाँ देखिए आपको दिखा देगा इंपोर्ट और रिकॉर्ड। आप चाहे तो यहाँ से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन में क्लिक करके आप अपने पीसी का पूरा फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप अपने स्क्रीन में जो भी काम करेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ये वीडियो जो है हमारा पूरे तरीके से ओके हो चुका है, ठीक। अब हम सिंपली करेंगे एक्सपोर्ट जो कि मेन है, तो क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने वीडियो का नाम देंगे। इससे मैंने अपने वीडियो का नाम दे दिया जस्ट डेमो के लिए, और यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, MP4, WMV, HEC, AVI, MOV, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हो जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मतलब प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्टली MP4 में कीजिए। MP4 करिए और यहाँ पर देखिए डिवाइस, आप यहाँ पर क्लिक करके किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यूट्यूब पर भी लोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ना करिए क्योंकि आगे बहुत सारे काम करने होते हैं वीडियो में। अब यहाँ है जरा सेटिंग, मान लीजिए हमारा वीडियो का जो साइज है वो है 1920x1 है रस्सी, मतलब कि ये फुल HD में जा रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई HD में आए यानी कि 1200x720 में आए, ऐसे इससे भी हाई क्वालिटी में आए, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके अपने वीडियो की जो क्वालिटी है वो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 1920x1080, 3840, मतलब आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा रेंडर कर सकते हैं। तो मैं वैसे कि 1280 या 1920 में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इसको हम 1280 में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे बेटर है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद सिंपली आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। जैसे आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो यह है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा, यदि प्रोजेक्ट लंबा है उसमें ज़्यादा काम हुआ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट छोटा है तो कम टाइम लगेगा। और कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट छोटा भी होता है लेकिन आपका पीसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उस केस में भी ज़्यादा टाइम ले लेता है। जब ये रेडर हो जाए तो आप इसको आराम से कहीं भी अपलोड करो, आपको यूट्यूब पर अपलोड करना है, फेसबुक पर अपलोड करना है या फिर कहीं भी अपलोड करना है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मोबाइल का यूज करके एक प्रोफेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी एक अच्छा और प्रोफेशनल वीडियो बना सकें। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने सवाल मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ फॉलो करिए और अपने सारे सवाल यहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद दे दूंगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।